राजधानी जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गांधी अध्ययन केंद्र में भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ के विशेष उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर JC जौहरी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे और इस दौरान वक्ताओं ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के विषय पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में स्टूडेंट्स को अवगत करवाया। देखिए, आज गांधी अध्ययन केंद्र के अंदर जो एक दिन की संगोष्ठी रखी गई है वो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 9 अगस्त और 8 अगस्त का वो दिन जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक अंतिम कड़ी के रूप में, एक निर्णायक कड़ी के रूप में जो आज़ादी का आंदोलन था उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रोफेसर JC जौहरी जो संविधान विज्ञ के रूप में प्रोफेसर सुभाष कश्यप और बहुत सारे लोगों के साथ में जिनका जन्म 1935 में हुआ, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस आंदोलन के अंदर भागीदारी की, ऐसे प्रोफेसर JC जौहरी जो संविधान के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, हमने इस अवसर पर जो नई पीढ़ी है उसके लिए प्रोफेसर JC जौहरी को यहाँ पर बुलाया है और वो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान क्या था, उनकी भूमिका क्या थी, उनके अलावा सुभाष चंद्र बोस यानी नरम दल और गरम दल, उन दोनों को मिला करके कैसे एक त्रिवेणी बनी और उस त्रिवेणी के माध्यम से कैसे भारत को एक आज़ादी मिली।